देश भर में हो रही ऑनलाइन ठगी के मामलों को रोकने के लिए अब कुल्लू पुलिस सोशल मीडिया का भी सहारा ले रही है। कुल्लू पुलिस ने एक वीडियो अपने फेसबुक पर जारी किया है, जिसमें ऑनलाइन फ्रॉड से बचाव के बारे में जानकारी दी गई है और युवा भी इस वीडियो को काफी शेयर कर रहे हैं ताकि लोग ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों से बच सके। जिला कुल्लू में भी पुलिस द्वारा साइबर सेल के पर्यवेक्षण में ऑनलाइन ठगी के मामलों की जाँच के लिए 2 SIT बनाई गयी है। साइबर सेल के प्रभारी इंस्पेक्टर सुनील संख्यान के नेतृत्व में टीम ने 85 लाख के सबसे बड़े फ्रॉड मामले में 4 लोगों को गुजरात राजस्थान से गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 25 लाख 18.25 लाख 15 लाख 10.10 लाख व 10.62 लाख रुपए सहित ऐसे कई मामलों की ठगी को सुलझाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 20 से ज्यादा लोगों के साथ फेक सिम कार्ड इस्तेमाल कर फ्रॉड करने वाले गिरोह का भी भंडाफोड़ किया है। साइबर सेल ने भी अभी तक 200 से अधिक गुम हुए मोबाइल फोन की रिकवरी की है, तो वहीं हैकर्स के कंट्रोल से 200 से ज्यादा हैकर फेसबुक आईडी और 50 से ज्यादा व्हाट्सएप अकाउंट को रिकवर किया है। 550 से ज्यादा फेसबुक व इंस्टाग्राम अकाउंट को बंद करवाया है और 100 से ज्यादा सिम कार्ड को भी बंद करवाया है। SP कुल्लू गौरव सिंह ने बताया कि साइबर क्राइम से बचने के लिए जागरूकता जरूरी है। कुल्लू साइबर सेल बेहतरीन कार्य कर रहा है और अब लोगों को जागरूक करने के लिए साइबर क्राइम बचाव जागरूकता वीडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की मुहिम चलाई गई है। गौर रहे कि कुल्लू साइबर सेल मर्डर, किडनैपिंग, चोरी, सेंधमारी व धोखाधड़ी के मामलों में आरोपियों को पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सेल ने ड्रग्स के मामलों के 22 अफ्रीकी नागरिकों को भी दिल्ली से गिरफ्तार किया है। 2019 से लेकर अभी तक 85 लाख की धनराशि रिकवर करने के अलावा 40 ऐसे बड़े मामलों को सुलझाया है। इनमें बंगाल, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली सहित कई बाहरी राज्यों से आरोपियों को गिरफ्तार कर ठगी की राशियों को रिकवर कर शिकायतकर्ताओं को वापस भी किया है। कुल्लू पुलिस ने साइबर अपराध की जानकारी के लिए एक वीडियो जारी किया है, जिसमें कई तरह से साइबर फ्रॉड्स होने वाले जो मेथड्स हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। इस वीडियो के माध्यम से कई सारे तरीके, जिसमें फ्रॉडस्टर्स विक्टिम से OTP पूछता है, या फिर कई बार फ्रॉडस्टर जो है अपने आप को फ्रॉडस्टर बताकर ही बोलता है कि सारा अकाउंट जो है खाली कर दिया है, जिससे विक्टिम को ये विश्वास हो जाए कि उसका पैसा जा चुका है और अपना ही पैसा क्लेम करने के लिए विक्टिम किसी तरीके से OTP उसको बता दे। ज़्यादातर केसेस में OTP बताने से विक्टिम्स के साथ फ्रॉड हो रहा है। जिन केसेस में OTP नहीं बताया गया, उनमें बहुत ज़्यादा केसेस में विक्टिम्स के साथ फ्रॉड नहीं हो पा रहा है। तो इसी तरह से कई सारे तरीके जो है वीडियो में बताए गए, जिससे लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर किया जा सके कि साइबर फ्रॉड के नए नए तरीके भी सामने आ रहे हैं। यहाँ तक कि कोरोना वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन के लिए भी साइबर फ्रॉड्स ने विक्टिम्स से OTP लेकर उनके अकाउंट्स में फ्रॉड किया। इसके साथ ही कुल्लू पुलिस की साइबर सेल ने पिछले 2 वर्षों में 40 से ज़्यादा फ्रॉडस्टर्स को कई राज्यों से गिरफ्तार किया, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और दिल्ली भी शामिल हैं। इन सभी जगह से उन्होंने SIT के माध्यम से भी लोगों को गिरफ्तार किया और 50 लाख से ज़्यादा की फ्रॉड राशि और कई सारे आर्टिकल्स को बरामद भी किया। इसमें वर्ष 2019 में सबसे पहली SIT बनाई गई थी, जो बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में 8 आरोपियों को गिरफ्तार करके कई सारे ऑब्जेक्शनेबल और साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इन्होंने बरामद किए। इसके बाद वर्ष 2020 में एक और SIT बनाई गई, जिसने 55 दिनों तक बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में रहकर 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनसे फ्रॉड की राशि भी बरामद की। इसके अलावा जो इनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव्स, फेक आईडी कार्ड्स, फेक बैंक अकाउंट्स एंड फेक पासबुक इत्यादि को भी रिकवर किया। साइबर सेल ने कई बड़े केसों को पिछले 2 सालों में सुलझाया है। इनमें सबसे बड़ा फ्रॉड का केस एक 85 लाख रुपए का केस था, जो 2019 में मई में हुआ था। इसमें विक्टिम के साथ बिजनेस प्रोजेक्ट लगाने के बहाने से फ्रॉडस्टर ने 85 लाख रुपए विक्टिम से हड़प कर लिए थे। इस केस में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनको राजस्थान और गुजरात से पकड़कर लाया गया था। कुछ फ्रॉड की राशि इसमें जो है विक्टिम्स के अकाउंट में पाई गई थी, जिसको फ्रीज करके विक्टिम्स को वापस कराया गया था। इसी तरह से कुल्लू की एक महिला के साथ फेसबुक पर एक फ्रॉडस्टर ने दोस्ती करके गिफ्ट पार्सल भेजने के बहाने से 25 लाख रुपए का फ्रॉड किया। इसमें 3 आरोपियों को गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया। कुल्लू में एक विक्टिम से धोखे से OTP पूछकर 18,25,000 रुपए की साइबर फ्रॉड जो किया गया, जिसमें फ्रॉडस्टर ने इस पैसे को FD में जमा कर दिया। विक्टिम द्वारा OTP बताए जाने के बावजूद भी कुल्लू पुलिस की साइबर सेल ने इस पूरी अमाउंट को तुरंत जो है विक्टिम को रिकवर करवा दिया गया।
कुल्लू की एक महिला के साथ केबीसी लॉटरी के बहाने के भी 15 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ था, जिसमें दो आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार करके लाया गया था। मनाली में भी एक पश्चिम बंगाल का एक फ्रॉड था, जिसने ये जो फ्रॉड एसएमएस होता है वो भेजा था, जिसमें बोलते हैं कि वो सारा अकाउंट जो है खाली कर दिया गया है, और इस तरह से उसने कई जगह कई लोगों के साथ फ्रॉड किया था। उसको भी गिरफ्तार किया गया और उसके पास से काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड की राशि और एक ब्रांड न्यू गाड़ी भी बरामद की गई थी। इसके अलावा सेल ने अभी तक 200 से ज़्यादा जो मिसिंग मोबाइल्स थे उनको भी रिकवर किया और उनको उनके ऑनर्स को वापस कराया। साइबर सेल ने हैकर्स के कंट्रोल से 200 से ज़्यादा जो हैक्ड फेसबुक आईडी थी और 50 से ज़्यादा जो व्हाट्सएप अकाउंट जो हैक्ड थे उनको भी रिकवर किया, और साइबर सेल ने 2020 में 550 से ज़्यादा फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स को बंद करवाया। ये सभी अकाउंट्स जो है फ्रॉडस्टर्स द्वारा यूज़ किए जा रहे थे, और सेल ने 100 से ज़्यादा फेक सिम कार्ड्स को भी बंद कराया, जिनका इस्तेमाल साइबर अपराधियों द्वारा फ्रॉड के लिए किया जा रहा था। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।